लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें ये बताया था तुम किस तरीके से एल्गोरिथम की तरह वीडियो एंड वॉइस एडिट कर सकते हो और उसकी तरह तुम भी अपनी स्क्रीन को कैसे खाली नहीं छोड़ सकते सिर्फ एक बैकग्राउंड वीडियो को यूज़ करके जो कि तुम खुद बनाओगे और वो भी इसी वीडियो में तुम्हें बता दूंगा। तो गाइस वीडियो को शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल देना और फॉलो कर लेना मुझे हर जगह लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस इसके लिए तुम्हें दो एप्लीकेशन चाहिए होंगी एक फोटो एडिटिंग के लिए एक वीडियो एडिटिंग के लिए। मैं काइनमास्टर का सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा क्योंकि मैं पर्सनली उन्हें ही यूज़ करता हूँ। तो गाइस मैं पहले आ चुका हूँ पिक्सल लैब में और वहाँ जाके मैं 3-4 सर्कल ले लेता हूँ और वहाँ पे जाके मैं उन सबका कलर चेंज करके उनका साइज़ कुछ इस तरीके से कर दूँगा एक के ऊपर एक और हर ऊपर वाले का साइज़ उससे नीचे वाले का से छोटा होना चाहिए और कलर कॉम्बिनेशन को तो तुम बिल्कुल भी मत भूल जाना क्योंकि वही ज़रूरी होता है इन सर्कल्स के लिए। उसके बाद तुम्हें कैनवास में जाना है। कैनवास में आने जाने के बाद तुम्हें स्टिकर्स का यूज़ करते हो कौन से ये देखो इस तरह के मज़ेदार स्टिकर्स हैं जो तुम मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। तुम्हें ब्लैक बैकग्राउंड में इसे लगा सकते हो। इसको लगाने के बाद तुम्हें इसके ऊपर कुछ नहीं करना तुम्हें उसके ऊपर बस एक इफेक्ट डाल देना जो कि है गॉइज़ एंड ब्लर और उसकी सेटिंग्स में जाके उसका लेयर वन कर देना। तुम ये कर दोगे उसके बाद तुम्हें अपना सर्कल ला देना और यहाँ पे ला के उसके एनिमेशन डालना है। ध्यान रहे ये वीडियो 10 मिनट की होनी चाहिए और सर्कल का एनिमेशन तुम्हें बहुत तेज स्पीड में करना है क्योंकि तुम इसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते। मैं फिर उसकी स्पीड 0.4x कर देनी है। एनिमेशन कैसे देना है देखो यहाँ तुम्हें की का ऑप्शन मिलता है तुम्हें इस पर क्लिक कर देना है और इस तरीके का कुछ एनिमेशन देना है पॉइंट बाय पॉइंट और फिर इसको जाके एक्सपोर्ट कर लेना है। और गाइस ध्यान रहे ब्लैक बैकग्राउंड को खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जब तुम ये तुम्हारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो और यूज़ किस तरीके से करना है मैं भी तुम्हें वो भी बताऊँगा। तुम्हें जब इसको यूज़ करोगे तो तुम्हें इसको ला देना है और इसको लाने के बाद तुम्हें गॉइज़ एंड ब्लर को यूज़ करना है जिसकी सिस्टम में तुम 3 लेयर रखना जिससे कि तुम्हारी वीडियो बिल्कुल मस्त लगेगी और क्लियर भी दिखेगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन को प्रेस कर देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय फॉलो मी ऑन एवरीवेयर।